कोरोना वायरस की महामारी के कारण देशभर में इस वक्त लॉकडाउन लागू है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक इस बीमारी की दवा ढूंढने के लिए लगातार शोध में जुटे हैं। इसी बीच प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। इसका उपयोग पहले भी वायरस के उपचार में पहले किया जा चुका है, लेकिन अब कोरोना वायरस के उपचार के लिए भी इस थेरेपी का उपयोग होने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU अस्पताल में कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग अब शुरू हो गया है। प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबॉडी टाइटर किट के उपयोग की ICMR और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद में शनिवार को अस्पताल के ही एक डॉक्टर समेत दो लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। ये दोनों ही कोरोना से संक्रमित थे और उपचार के बाद में पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। आपको बता दें, दिल्ली और गुजरात में भी कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज के आइसोलेशन में था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। 14 डेज के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे KGMU में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। यहाँ पर ठीक होने के बाद पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है जिससे गंभीर COVID-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी को यहां पर उपयोग में लाने की कवायद दिल्ली से शुरू हुई और दिल्ली से अब बढ़कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा पहुंची है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अस्पताल के चिकित्सक ही और उनके सहायक जो कि कोरोना से संक्रमित थे, कोरोना से उपचार हुआ और ठीक होने के बाद में प्लाज्मा यहां पर डोनेट करने पहुंचे। एक राहत की खबर ऐसे समय में जहां पर वैक्सीन फिलहाल इस बीमारी की नहीं बन पाई है, ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा प्लाज्मा थेरेपी एक राहत की खबर है। एंटीबॉडीज टाइटर किट का उपयोग साथ में किया जाने लगा है। ICMR की ओर से अनुमति मिलने के बाद में इसका अब देश के अंदर उपयोग शुरू होने लगा है। दिल्ली के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने कुछ दिन पहले सुना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 मरीजों पर इस थेरेपी को इन्फोर्स भी करने की उन्होंने यहां पर हमें जानकारी दी। उसके बाद में ICMR की ओर से यहां पर मंजूरी इस किट को मिली, प्लाज्मा थेरेपी को मिली, माफ कीजिएगा। उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबॉडी टाइटर किट को लखनऊ में भी यहां पर उपयोग भी लिया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता अमरीश मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, ऐसा समय जब इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, ऐसे समय में प्लाज्मा थेरेपी इस वक्त उपयोग में ली जा रही है और कई हद तक ये सही भी साबित हो रही है, राहत की खबर है। लखनऊ में किस प्रकार से इसे उपयोग में लिया गया और क्या उसकी उपयोगिता रही? जी जयती, सबसे पहले बता दूं कि KGMU अस्पताल जो है जी, वो कोरोना की जांच करने वाले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर था जी। यहाँ के जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि SARS-1 और MERS वायरस से निपटने के लिए भी इस थेरेपी को उपयोग किया गया था जी। और इससे पहले दिल्ली और गुजरात में भी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को उपयोग किया जा रहा है जी। क्योंकि अभी तक कोरोना की दवा का शोध किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन दवा ऐसी जिससे इस बीमारी का इलाज हो सके जी, तो उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत नेचुरल पद्धति है। इससे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग से अच्छे नतीजों के संकेत मिल रहे हैं जी। दुनिया भर के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं कि ये जो थेरेपी है ये एक आशा की किरण बनकर आई है बिल्कुल। और KGMU में जो प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है, इसमें अस्पताल के ही एक डॉक्टर जो कि पीड़ित हुए थे कोरोना से जी, और लखीमपुर के ही एक व्यक्ति ने प्लाज्मा डोनेट किया है। और डॉक्टर तौसीफ जो कि खुद भी इस बीमारी से पीड़ित हुए, 21 दिन के आइसोलेशन पीरियड में गए, 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहे जी, उसके बाद उन्होंने वापसी की और प्लाज्मा थेरेपी से जिस तरह से उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी प्लाज्मा देकर जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उन
उनको बचाएंगे और उनको भी इसके लिए वो एक अपील करेंगे कि वो भी आगे आए और कोरोना के जो भी संक्रमित हैं जी उनको बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी, जब तक कोई दवा नहीं बन रही इसके लिए और एक नेचुरल पद्धति के थ्रू जब हम सही हो सकते हैं बिल्कुल और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए एक बहुत मददगार चीज है। और केजीएमयू ही नहीं, जिन जिन राज्यों में थेरेपी की शुरुआत हुई है वहां पे एक अच्छे नतीजे निकल के सामने मिल रहे हैं। अमरीश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं चिकित्सक यहाँ पर वो थे जो कि डोनर्स के रूप में यहाँ पर सामने आए, तो एक सामाजिक सरोकार का यहाँ पर मैसेज यकीनन उन्होंने दिया। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्लाज्मा की थेरेपी एक अच्छी थेरेपी है और लोगों के काम में भी आ सकती है, एक कारगर थेरेपी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है डोनर्स के सामने आने की, ऐसे डोनर जो कि इस बीमारी को मात देकर अपने घरों पर लौट चुके हैं और अब संक्रमित नहीं है उस बीमारी के चलते, फिट है एक तरीके से, उनको यहाँ पर पहुंचने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि काफी बड़ा आंकड़ा है कोरोना के संक्रमित मरीजों का, ऐसे में डोनर्स को कलेक्ट करने की क्या कवायद रहेगी सरकार के द्वारा? जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके बाद उत्तर प्रदेश में केजीएमयू के डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जिस तरह से काम किया और जिस तरह से एक डॉक्टर खुद इस बीमारी से पीड़ित हुआ, उस वक्त उन्होंने जिस तरह से अपील की है और जिस तरह से हम अपने समाचार चैनलों के माध्यम से लोगों से जुड़कर सामाजिक सरोकार में साथ आने की अपील कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो मरीज सही होकर जा रहे हैं उनको भी टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर उनसे बात करके इस तरह से उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्लाज्मा थेरेपी से सही होकर वो अपने घर की तरफ लौटे हैं, जिस तरह कल दो मरीज लौटे, आज भी जो हमारे पास अभी तक जो जानकारी है 5 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी, ये 5 मरीज भी सही होने के बाद आने वाले 5 मरीजों की मदद करेंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ताजा आंकड़ों के अनुसार 1798 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं जी। अगर हम 5-5, 10-10 करके सबकी मदद करते जाएंगे बिल्कुल, तो फिर हम इससे बचाव भी कर सकते हैं और जो इससे बचाव के अन्य तरीके हैं उस पर भी हम लोगों को मदद करके और लोगों से खुद भी ये कह सकते हैं कि आप इस जानकारी को आगे भी साझा करें ताकि लोगों को किसी भी तरीके का अफवाह ना हो या किसी भी तरीके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है। लोग गुमराह होकर अफवाह के चक्कर में ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स और जिस तरह से हमारी सरकारों ने ऐसे संयम के समय में लोगों से सरोकार करके और इस तरह की थेरेपी से निजात पाया है लोगों ने, जी वो एक वाकई काबिले तारीफ और सराहनीय कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अमरीश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम आपको प्लाज्मा थेरेपी की यहाँ पर कारगर होने के कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चिकित्सक यहाँ पर जो कि कोरोना वॉरियर्स थे, कोरोना से लड़े, कोरोना संक्रमित होने के बाद में अपना प्लाज्मा यहाँ पर डोनेट किया और लोगों की जान बचाने में अब ये थेरेपी कारगर भी सिद्ध हो रही है।